वो फिल्म मेरे हवाले कर दो। शाबाश शरीश, वो दोनों साइंटिस्ट? वो तो नहीं दीवान साहब, उनकी लाशें मेरी जेब में हैं। अच्छा, वो फिल्म? एक बात पूछो दीवान साहब, यकीन नहीं आता है कि इतनी छोटी सी चीज की इतनी बड़ी कीमत हो सकती है। अजीत, हमारे कमरे में आने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत कब से पड़ गई है? इसलिए कि कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया। बिल्कुल नहीं बच्चा, तुम्हारे लिए कोई वक्त गलत नहीं है। हम तुम्हें बुलाने वाले थे कि तुम खुद आ गए। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, आज हम बहुत खुश हैं। चंद देशभक्तों की बेवकूफी की वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। कौन हो तुम? तुम्हें किसने गोली मारी? दीवान, साइंटिस्टों का खून और ड्राइवर का खून एक ही दिन हुआ, और मरते वक्त ड्राइवर सिर्फ दीवान कह पाया। मुझे लगता है इन दोनों मर्डर्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है, और इन दोनों मर्डर्स के पीछे दीवान नाम का कोई आदमी है। टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने भी दीवान नाम के आदमी हों, सबके घरों पर एक ही दिन छापा मारा जाए। All right, sir. पिता पुरखों के जवाहरात हैं इंस्पेक्टर साहब, आप तो खाम खा मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देख लीजिए इसमें आपको क्या मिलेगा। जेवरात के साथ और भी कुछ था जेवरात के साथ? और 50 लाख के खानदानी जेवरात थे। 50 लाख के जेवरात क्या कम होते हैं? कम होते क्या? अजीत कहाँ है? वो घर में नहीं है। घर में नहीं? नहीं। क्या आज आपने अपनी तजोरी खोली थी? हाँ खोली थी। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं आज शाम से घर पर ही हूँ, लेकिन तिजोरी तो मैंने बाद में बंद दिखी थी। ऐसा नहीं हो सकता, तिजोरी का नंबर हमारे सिवाय और कोई नहीं जानता। क्या आपके सेफ कॉम्बिनेशन का नंबर 2133 है? किसी और को भी मालूम है। यह रहा उसका सबूत। किसी ने आपको सेफ खोलते देखा और नंबर अपने हाथ या कागज पर लिख लिया है, और शायद भूल से उसका इंप्रेशन यहाँ रह गया। कौन हो सकता है? अजीत, अजीत गायब है, उसके सिवा अजीत मेरा मुंह बोला बेटा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। जिस पर ज्यादा भरोसा किया जाए अक्सर वही धोखा देता है। इंस्पेक्टर, अजीत को गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे यकीन है कमिश्नर साहब कि दीवान साहब के सिर्फ 50 लाख के जेवरात ही नहीं गए, बल्कि कुछ और भी। कुछ और से मतलब? उनकी परेशानी से जाहिर था कि जेवरात के अलावा जो चीज भी चोरी हुई वो 50 लाख के जेवरात से कहीं ज्यादा कीमती थी। 50 लाख से ज्यादा कीमती? 50 लाख के जेवरों के बक्से में वो माइक्रोफिल्म थी जिसमें हवाई जहाज का डिजाइन था। जेवरों के लालच में वो पूरा बक्सा चुरा कर ले गया है। क्या उसे माइक्रोफिल्म के बारे में मालूम था? नहीं नहीं, दीवान इतना बेवकूफ नहीं है।
तो अब वो फिल्म मिलेगी कैसे? जरूर मिलेगी, चाहे मुझे जमीन आसमान के खिलाफ मिला देने पड़े, मैं उस फिल्म को हासिल करके रहूंगा, जरूर हासिल करके रहूंगा। तुमसे भी बक्सा किसी ने चुराया है। अगर तुम ये झूठी कहानी छोड़ दो और सच सच बता दो कि वो बक्सा कहाँ है तो मैं तुम्हारी सजा माफ करा सकता हूँ। मैं सच ही कह रहा हूँ ना, वो बक्सा मेरे पास है ना, मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने बक्सा मुझसे चुराया है। तुम इस झूठी कहानी से बात नहीं आओगे? कमिश्नर साहब, ये झूठी कहानी नहीं, असलियत है, सच्चाई है। हवालदार, ले जाओ इस बेवकूफ को। पचास लाख का माल बाहर है और अजीत अंदर। वो पुलिस को बेवकूफ बना सकता है लेकिन हम लोगों को नहीं। मुझे अजीत जेल के बाहर चाहिए और उसका माल मेरी तिजोरी के अंदर। अजीत को जेल से बाहर सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता था जिसका नाम था रॉकी। था? था क्यों कहते हो? इसलिए कि 5 साल पहले वो मर चुका है। हमारे धंधे में जब कोई मरता है तो वो 100 बार जन्म लेता है। तलाश करो, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई बाप घूमता होगा। उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। तो सुन, रॉकी एक ऐसी चीज है जिसे हिंदुस्तान की कोई भी जेल बंद नहीं कर सके। ओए ओए, हवा के झोंके के तरसाला कहां से कहां चले जाता है, किसी के समझ में नहीं आता, समझे? अंदर आते हुए सबने देखा है लेकिन बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मगर अफसोस है, 5 साल हो गए वो मर गए। अबे घन चक्कर, जब वो मर गया तो तूने रॉकी की बात छेड़ी क्यों? रॉकी मर गया है? रॉकी मर गया लेकिन सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड्स में। वो जिंदा है, सही सलामत है, और हमें उसे अपना बाप बना लेना चाहिए। लेकिन मेरा बाप तो है। अरे उसी बाप की वजह से तेरी ये हालत हो गई, थर्रा पी रहे हो। अरे रॉकी को बाप बना लोगे ना, तेरे हाथ की लकीरें बदल जाएगी। कैसे? हम रॉकी को बता देंगे कि अजीत जेल में है, 50 लाख रुपए बाहर है। रॉकी जेल में चला जाएगा, अजीत को मक्खी बनाकर बाहर लाएगा और उसे माल हासिल कर लेगा, और उस 50 लाख में अपने को वो कुछ तो देगा। जरूर देगा। लेकिन रॉकी की शक्ल कैसी है? आज रॉकी सुस्तराम के नाम से पवई के एक बंगले में आराम से मछलियां पकड़ रहा है। पुलिस वाले समझते हैं रॉकी मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है ना? बिल्कुल। लेकिन तुम उसे कैसे पहचानोगे? पहचानोगे नहीं, मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन अब वो रॉकी नहीं है, सुस्तराम है। पवई के खूबसूरत बंगले में आराम से रहता है और मछलियां पकड़ता है। सर, मैं खुशखबरी लाया हूँ, रॉकी जिंदा है और सुस्तराम के नाम से पवई के छोटे से बंगले में मछलियां पकड़ता है। गुड। साहब साहब, मिल गया रॉकी। हाँ। कहाँ? पवई के एक बंगले में, लेकिन रहता है नाम बदल के। क्या नाम रखा है उसने? सुस्तराम। गुड। आइए हुजूर, मेहमान आए। आइए आइए। मुस्तफा की माँ फसल, सुबह से आप मछली का शिकार कर रहे हैं, अभी तक एक भी नहीं फंसी। जल्दी क्या है, अभी फंस जाए। सुना है आपके शहर के आसपास बहुत सी मछलियां चक्कर काटती हैं, क्या मैं आपके तालाब में कांटा डाल सकता हूँ? ये बैग देखते हो, इसमें 5 लाख रुपया है। सुन रहे हो रॉकी? आपने मुझसे कुछ कहा? मेरा नाम सूरजमुखी है। सूरजमुखी? ये तो फूल का नाम है। आदमी का नाम भी होता है। शायद आपकी माँ ने प्यार के साथ ये नाम रख लिया होगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम रॉकी नहीं रखा। अजीत को जेल से निकाल कर हमारे पास लाओगे रॉकी? मैं दूसरी बार आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं रॉकी नहीं हूँ। तुम 5 साल से पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर चुके, लेकिन मुझे तुम्हारे जिंदा होने की खबर मिली। ये मौका हाथ से न जाने दो रॉकी। मैं तीसरी बार आपसे कहता हूँ कि मैं रॉकी नहीं हूँ। रॉकी नहीं तो फिर कौन हो, बोलो?
जल्दी क्या है, पहले शिकार हाथ आ जाए तो नाम भी जान जाओगे सुरसुखी। रॉकी हाँ कह दो और ये बैग ले जाओ। देखो मिस्टर, ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना आप मुझे जानते हैं। हो सकता है आपकी याददाश्त कमजोर है, या हो गई है, या नजर कमजोर है, या आपका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं रॉकी नहीं हूँ और आप बार बार मुझे रॉकी बुला रहे हैं। माफ कीजिए, मेरी मछली पकने को तैयार है और मैं इसे खाने को तैयार हूँ। गुड डे। एक टुकड़ा या दो? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह, आपका नाम भी फूल पर है। एक फूल आपसे पहले मिल चुका है, सूरजमुखी, लेकिन मुझे गुलाब का फूल भी पसंद है। बहुत अच्छा किया तुमने सूरजमुखी को लौटा दिया। मेरा सौदा उससे भी बड़ा है रॉकी। फिर रॉकी, तीन बार उनसे कह चुका हूँ और चौथी बार आपसे कहूंगा कि मैं रॉकी नहीं हूँ। मैं समझ गया, तुम अपना असली नाम पुलिस से छिपाना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें रॉकी के नाम से नहीं पुकारूंगा। सिर्फ इतना बता दो कि अजीत को जेल से निकालने में कितनी देर लगेगी। ये अजीत कौन है? अजीत दीवान साहब के 50 लाख के जेवरात लूट के भाग गया था, जो उसने कहीं छिपा दिए। अगर वो हमारे काबू आ जाए तो माल अपना। बहुत आसान बात है, आप कोई ऐसा जुर्म कर डालिए कि आपको जेल हो जाए, और जेल में अजीत से तो मुलाकात होगी। बस बातों बातों में पूछ लीजिएगा कि वो जेवरात हैं कहाँ। रॉकी मान जाओ, बहुत फायदा होगा। जल्दी क्या है, फिर आइएगा, तब तक मैं भी जान लूंगा कि ये कमबख्त रॉकी है कौन, जिसके लिए लोग मुझे इतना रुपया देने के लिए तैयार हैं। रॉकी इस बैग में 10 लाख रुपया है। असली नोट है। बड़े कामों में हर बात असली होती है रॉकी। फिर रॉकी, रहमान आया हुजूर। गुलाब सिंह जी को एक बड़े थैले में डालकर घर छोड़ाओ ताकि वापस ना सके। और सुनो, घर वालों से रसीद ले आना कि सही सलामत पहुंच गए हैं। दुरुस्त है। हुजूर, आप थैले में जाना पसंद करते हैं या यूं? रॉकी, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं तो जानता हूं मगर आप नहीं पहचानते, इसलिए मुझे रॉकी पुकार रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। गुड डे। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो फिर नंबर 3, अब की बार 15 लाख की ऑफर है क्या? सर पर ज्यादा जोर से तो नहीं लगे? आपने जो एक्सप्रेस बुलवा भेजा था, सर पे डाकखाने की मोहर तो लगनी थी। बड़े हंसमुख हो रॉकी। रॉकी, आप भी मुझे रॉकी बोल रहे हैं? इस बात पर बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। हम सूरजमुखी या गुलाब सिंह नहीं, हमारा नाम दीवान है, दीवान। रॉकी, बड़ी आसामियों के साथ काम करना चाहिए, इसमें तुम्हारा फायदा है, माल भी मिलेगा और इज्जत भी। अजीत को जेल से निकालने और जेवरात को बक्सा समेत लाने का जानते हो इनाम क्या है? क्या है? 50 लाख के जेवरात तुम्हारे, मेरे। तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? खाली बक्सा। बक्सा? इसमें आपका फायदा? फायदा हम तुम्हें कामयाबी के बाद बतलाएंगे रॉकी। रॉकी, आप मुझे रॉकी बना के छोड़ेंगे? चलो ठीक है, पैसे के लालच में आकर मैं रॉकी बन ही जाता हूँ। वाकई रुपया हर एक की कमजोरी है। जब 50 लाख के लिए आदमी इंसान से हैवान बन सकता है तो मैं तो सिर्फ रॉकी बना हूँ, और फिर रुपए के लिए दीवान साहब मैं आपको अपना बाप भी पुकार सकता हूँ। तो फिर तुम आज से काम शुरू कर दो। जल्दी क्या है दीवान साहब, 24 घंटे से पहले रॉकी किसी बात का फैसला नहीं करता है। हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है। है
रॉकी का जवाब पाने के लिए आप इंतजार करेंगे, क्योंकि रॉकी ये भी जानता है कि रॉकी के सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। माँ, अगर बदमाशों के बीच रहकर भी अब तक मैं शरीफ हूं तो वो सिर्फ इसलिए कि मेरी रगों में तुम्हारा शरीफ खून दौड़ रहा है, तुम्हारा बेटा। मुंगे, ये सब क्या है? आपके नौकर ने हमें अंदर आने से रोका, गूंगे ने जरा सी तमीज सिखा दी। मेरा ख्याल है कि तमीज आपको सीखनी चाहिए। ये बात छोड़ो, काम की बात करो। मैंने सुना है तुमने दीवान साहब के लिए काम करने की सोची है। पैसा मिल रहा है आपसे कहीं ज्यादा। तुम सिवाय मेरे और किसी के लिए काम नहीं कर सकोगे। मुझे अफसोस है, मैं आपकी बात मान नहीं सकूंगा। गूंगे, इनको बात मनवा दो। मैं जमीन पर खड़ा था, आपने मुझे सोफे पर बैठा दिया, ये ज्यादती है। सोफे से कलीन पर और भी ज्यादती है। आपने तो मुझे बिल्कुल ही फर्श पर लेटा दिया। जरा हाथ तो पकड़िए। भाग जाओ यहां से। जिंदा जाने दे रहा हूं, रॉकी का शान जिंदगी भर नहीं भूलना। रॉकी, तुम तो अपने आप को रॉकी नहीं कहते थे ना? रॉकी ठीक वक्त पर रॉकी बनता है, और जब वो रॉकी बनता है तो बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। आउट! ठीक 24 घंटे और 2 मिनट हुए हैं दीवान साहब। शाबाश, जवाब में हाँ लाए हो या ना? मैं खुद ही आ गया हूँ, क्या यही जवाब नहीं? गुड 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 गुड। Come on, Rocky. Come on. Let's celebrate. Whiskey. दीवान साहब, वो कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए आप मुझे सारे जेवरात देने के लिए तैयार हैं? ये सब तुम किस लिए पूछना चाहते हो? रॉकी एक शरीफ किस्म का बदमाश है। मालिक का जितना बड़ा भला हो, रॉकी उतना ही बड़ा खतरा मोल ले सकता है। शाबाश बॉय रॉकी। हम तुम्हें बतला देते, लेकिन हमें किसी पर एतबार नहीं रहा, खासकर अजीत के बाद। तुम अजीत, जेवरात और बक्स हमारे पास ले आओ, उसके बाद हम तुम्हें सब कुछ बतला देंगे। ये अजीत और बक्से में कोई खास बात है? हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत सवाल पूछते हो। देखो, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए नहीं। हम सारे। अच्छा ये बतलाओ, पिछले 24 घंटों में तुमने क्या क्या किया? जेल की हालत, सलाखों की मजबूती, तोड़ने का तरीका, इन सब बातों पर गौर करता रहा। सिर्फ 2 रुकावटें हैं दीवान साहब। एक तो अजीत के मुंह से सच कहलवाना। अजीत की जुबान खोलने की चाबी हमारे पास है, लेकिन जब पुलिस कुछ ना कर सकी तो फिर वो आपके सामने कैसे बोलेगा? बोलेगा, और तुम ये नजारा भी देखोगे। दूसरी रुकावट क्या है? जेलर, सेंट्रल जेल का जेलर एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार है। वो जो चाहे उसे करवा सकती है, उसे काबू में लाना होगा। कौन है वो लड़की? सीमा। तुम जानते हो उसे? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे काबू में लाने के लिए बहुत देर लग जाएगी, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। 3 हफ्तों के अंदर अंदर रॉकी जमीन तो क्या आसमान की अप्सरा को भी लट्टू कर सकता है। वो कैसे? आप भी बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं दीवान साहब। 50 लाख हाथ में आ जाए तो बताऊंगा। जल्दी क्या है? Bye.
चर्चा मेरा आम है, हाँ सबके दिलों पे लिखा हुआ मेरा ही तो नाम है। और सही सीमा, अब तुम्हें नकली जेवरात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे ये कुछ दिन और कभी खत्म भी होंगे? जहाँ इतना सबर किया है थोड़ा और सही। कब तक सबर करूंगी, कब तक इस तरह कैबरे डांस करती रहूंगी? अब तुम्हारा ये गोरा गोरा बदन कोई नहीं देख सकेगा, मैं इसे 50 लाख के जेवरात से ढांप दूंगा। मेरा बदन ढांपने का इंतजाम तो तुम कर लोगे, मगर जिंदगी में सब कुछ यही तो नहीं, हमारी बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? सिर्फ एक बार वो बैग मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसे ठिकाने लगा दूं, तो सीमा तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। बैग? हाँ, उस बैग में एक छोटी सी चीज है जिसकी कीमत 50 लाख से कहीं ज्यादा है। बहुत खूबसूरत है और जवान भी। अकेली हो? तुम भी तो अकेले हो। हाँ? क्या इरादा है? ये अकेला ही नहीं मेम साहब, हम दोनों ही आपके गुलाम हैं, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तुम दोनों सीधी तरह जाते हो या पुलिस को बुलाओ? अब पुलिस के आने से बात रुकी रुकी हो जाएगी, और अगर प्यार की बातें करनी है तो हमारे साथ चलिए। ये मेरा दोस्त शायर है और मैं इसके गीत गाता हूँ और ताल मैं देता हूँ। नको नको नको। जी शुक्रिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया। आप आपका घर जा रही हैं? जी हाँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं। शुक्रिया। ये मेरा घर है, अब आप शायद अंदर आना चाहेंगे ना? आपके घर में कौन नहीं आना चाहेगा, आपके भलेपन पर तरस आता है। आप कितने सीधे हैं, कितने बहादुर हैं। शुक्रिया। ये लीजिए। किस लिए? आपने यहाँ तक आने और मुझसे बात करने के लिए उन दोनों को जो पैसे दिए थे वो वापस लौटा रही हूँ। पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी, आप मुफ्त में भी यहाँ तक आ सकते थे। आपके कान बहुत पतले हैं। मेरी आंखें भी बड़ी तेज हैं। अब बताइए यहाँ आने का कारण? खूबसूरती। खूबसूरती और जवानी के नाम पर मुलायम होने वाली और होंगी, मैं नहीं। मतलब बताइए। यूं पहली मुलाकात में मतलब बताने वाले कोई और होंगे, हम नहीं। जल्दी क्या है, खैर हमारे साथ जरा घुल मिल जाइए। घुलने मिलने का वक्त मेरे पास नहीं है, अगर आराम करने की जरूरत है तो किसी कंपनी बाग में जाकर बैठ जाइएगा। लेकिन कंपनी बाग के लिए भी तो कोई कंपनी चाहिए, मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा। एक बार फिर से 100 रुपया खर्च कीजिए, कोई भी बेवकूफ फंस जाएगी। सॉरी। ये कौन है? कोई सड़क छात्र रोमियो, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा है। ए मिस्टर, कम हियर। मैं जेल का जेलर हूँ। जेलर जेली का होता है, कुछ लिया घर का नहीं। वो समझ पे लाओ, मैंने बड़े बड़े कैदी ठीक किए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना। जाना ही पड़ेगा, कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही थी सीमा। खैर मैं जाता हूँ, फिर आऊंगा।
फुर्सत नहीं है। फिर आऊंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अपने वक्त में आऊंगा जब आप ना हो। गुड नाइट सीमा। हाँ सीमा। थैंक यू। अरे ये क्या? छुट्टी मिल गई। कहाँ से? जेल से। मेरा मतलब जेल के काम से। एक महीने की छुट्टी। तुम कश्मीर जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी पहली बार ही वहां जा रहा हूँ। राखी बहुत टेढ़ा आदमी है, तुम उसकी हर चाल पर नजर रखना, लेकिन उसको पता ना चले कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अच्छा सर। और शराब कम पीना। जब तक रॉकी का पीछा करोगे सारे नशे बंद। ए साहब, तंबाकू लो, गांजा, चरस। ए साहब, दीवाना वाला दाम मारो दाम। बिल्कुल नहीं। बियर नो। ब्रांडी? आई सेड नो। विस्की नो। तो फिर ये काम आप कीजिए। क्यों साहब? यही मेरी कमजोरी है, जब तक मैं नशा नहीं करता मैं अपनी औरत को भी नहीं पहचान सकता। हाँ एक बार ऐसी गलती हो गई, मेरे साले के इतना मार खाया कि पूछो ने। हाँ। ओके 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 ओके। विस्की लेकिन कम। गो। क्या कहा? गो या कम? आई सेड गो। थैंक यू। ऐसा ना हो कि रॉकी कहीं तुम्हें पहचान ले। दीवान साहब, मैंने उसका सब इंतजाम कर लिया है। क्या? मेरा नाम गोविंद नहीं, गोम्स। अब हम जेबी गोम्स एस्क्वायर हो गया है। राखी तो क्या, हमारा बाप भी हमको नायक पहचान सकता है। आप बहुत जल्दी में हैं। बड़े बदतमीज हो तुम। ये मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ। ठोकर भी आपने खुद ही खाई है और थप्पड़ भी आपने जानबूझ के मारा। शरारत तुमने की थी। कपड़े आपने दिए थे, मैंने उतारे नहीं थे। बड़े बदमाश नजर आते हो। अगर आप दूसरी आंख से देखें तो मैं आपको शरीफ भी नजर आऊंगा। मतलब? मतलब ये कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक शरीफ और एक बदमाश। मैं थोड़ा शरीफ भी हूँ और थोड़ा बदमाश भी, लेकिन मेरी शराफत पुकार पुकार के कह रही है कि आप जैसी अच्छी और नेक लड़की को नंगे नाच करने की क्या जरूरत है। वो मेरा पेशा है। लोगों को बुराई से बचाना मेरा पेशा है। मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि एक मामूली सा हार है, इसे कबूल फरमाइए, आपके 5,000 कैबरे के बराबर का होगा। बहुत खूबसूरत है। कीमती भी है। वो नकली था, असली ये है। लीजिए इसे अपने पास रखिए वरना इसे भी फेंक दूंगी। मुझे आपके भोलेपन पर तरस आता है। किस लिए? इसलिए कि आप असली को नकली समझती हैं और शरीफ को बदमाश। मैं आपकी जिंदगी में इसलिए आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको असल और नकल में फर्क नजर आए। वो मुझे मालूम हो चुका है। क्या मालूम हो चुका है? मैं एक बदमाश को छोड़कर शरीफ के पास जा रही हूँ। फिर वही गलती। लेकिन वापस बदमाश ही के पास आइएगा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखड़ियां। शुरुआत ऐसे ही होती है। तुम्हारे ये कोरे कोरे हाथ देखकर बेहोश हो जाने को जी चाहता है। एक थप्पड़ लगा दो, होश में आ जाएगा। कौन है ये? ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहेंगे ना। बेचारी थक जाएगी, बोर हो जाएगी। जानती हो सीमा, सारी दुनिया छोड़कर
मैं तुम्हारे कदमों में आ गिरा हूं। बकवास करता है। आखिर ये है कौन? ओह, अब समझा। शायद इलेक्शन की मीटिंग हो रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गालियां दे रही है। बेवकूफ भी है, बड़ा देर से समझता है। जानती हो सीमा, मेरा प्यार कितना गहरा है? कितना? जितना गहरा है इस झील का पानी। झूठ पकता है। वाकई इलेक्शन वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं या और कोई बात है? इसकी एक भी बात पे यकीन नहीं करना, करना है तो मुझ पे करना। आओ चले यहां से। चलो सीमा, ऐसा करते हैं ये शिकारा छोड़कर मोटरबोट में चलते हैं फटाफट। ऐसी भी क्या जल्दी है। तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने हो, तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने हो। एक तेरा सच्चा आशिक हूँ मैं, माने या तू ना माने रे, दीवाने झूठे परवाने हो। एक तेरा सच्चा आशिक हूँ मैं, माने या तू ना माने रे, तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने। छोड़ जाएंगे दिल तोड़ जाएंगे ये बेकदर यार मुश्किल में, छोड़ जाएंगे दिल तोड़ जाएंगे ये बेकदर यार मुश्किल में। इन पे ना कर यकीन हो न जाए कहीं, रस्ते हैं अनजाने, माने या तू ना माने रे, तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने। यहाँ कल और कहीं हाँ, इनकी कुछ ऐसी ही आदत है। आज है यहाँ कल और कहीं हाँ, इनकी कुछ ऐसी ही आदत है। दिल मसल देंगे ये, पी के चल देंगे ये, आँखों के पैमाने, माने या तू ना माने रे, तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने हो। एक तेरा सच्चा आशिक हूँ मैं, माने या तू ना माने रे, तेरे सौ दीवाने झूठे परवाने।
बस बस बंद करो। अगर तुम इसी तरह बैग छीलते रहे हो सकता है कि उसमें छुपी हुई माइक्रोफिल्म भी बर्बाद हो जाए। पचास लाख के जेवरात तुम्हारे मेरे, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? खाली बक्सा। अब सिर्फ एक ही तरकीब हो सकती है, जाओ दीवान के घर वालों का पता लगाओ, मालूम करो कि उसकी कोई मां बहन बेटी लड़का लड़की कोई है, फिर उसके बाद दीवान साहब से मुलाकात होगी। क्या करता है? करता नहीं है, करने आया है। क्या करने आया है? सच बात करने आया है। क्या सच बात करने आया? बात यह है कि हम दोनों राखी का पीछा करते हैं। ओ राखी। मगर तुम राखी का पीछा क्यों कर रहा? ओ समझा। क्या समझा? हम तीनों डिटेक्टिव मिलकर रॉकी का पीछा करता है। पीछा तो करता है, मगर तुम नौकरी किसका करता है? ना ये ना बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? हम किसका काम करता है हम ना बताएगा। नहीं बताएगा, हम भी नहीं बताएगा। मैं भी नहीं बताऊंगा। हम भी ना बताएगा। कोई बात नहीं, लेकिन काम तीनों मिलकर साथ में करेगा। अब फिर से बोलो। काम तो एक ही है ना? तीनों मिलकर साथ में करेगा। क्या प्रॉमिस? प्रॉमिस मिला आज? किधर आता है तुम्हारा? इधर है। बॉटल किधर है? अरे खत्म हो गए डार्लिंग, दूसरे ले क्या, फटाफट पीते हैं और पीछा करते हैं उसका। ठीक है। जल्दी क्या है त्रिमूर्तियो? अरे ये लो बोतल और आराम से पियो, रॉकी का पीछा करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही हर शाम आपके पास आकर रॉकी की डायरी छोड़ जाया करूंगा। उस डायरी में लिखा होगा कि सुबह से शाम तक रॉकी क्या क्या करता है। मिस कार्मेन एंड मिस सीमा।
Whiskey, please. पानी या सोडा? नीट, बड़ा पैक. इस छोटी सी उम्र में बड़ा पैक विस्की पी लिया? फिर भी नशा नहीं आता. न जाने इन आंखों को कैसे नशे की तलाश है, जो नशा होता ही नहीं. जानते हो वो कौन सा नशा है? अंदाजा लगा सकता हूँ. बताओ ना, कौन सा नशा है वो? जल्दी क्या है, बताने को सारी रात पड़ी. बड़े होशियार हो मिस्टर. क्या नाम बताया था तुमने? नाम से क्या होता है, नाम तो ना मैंने आपका पूछा है और ना आप मेरा पूछिए. काम बताइए. काम पूछ रहे हो तुम? तुम हो, मैं हूँ. काम का अंदाजा भी लगा लो ना. लगता है आज मेरे लिए भी विस्की का नशा बेअसर साबित होगा. मुझे भी एक नए नशे की तलाश है. अब समझी सारी बात? लेकिन एक शर्त है, पूरी करोगी? आज की रात जितनी शर्ती चाहिए मनवा लो. तो सुनो, बात ही तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बाहें, क्या मजा है. लो फिर आ गई, बिन बुलाए. सीमा तुम? I'm sorry, गलती से गलत कमरे में आ गए. लेकिन गलती से तुमने सही बात कह दी. जो बात छुपानी थी वो बता दी. बातें किससे हो रही थी? वही रंगीला जिसकी आंखें मुझ पर, सिर्फ मुझ पर जमी हुई थी. अच्छा, सिर्फ तुम पर? हाँ, नाच तो हम दोनों रही थी, लेकिन वो देख मुझको रहा था. इसलिए कि मैं नाच रही थी और तू सिर्फ कपड़े उतार रही थी. इसलिए कि तू कार है, बस्तिल है, कारपोक है. मगर बेशर्म नहीं, उसे भूल जा मेरी जान, वो तेरे हाथ नहीं आएगा. नहीं नहीं, ठीक है, हो जाए. आएगा, मेरे कदमों के निशान चुनता हुआ आएगा. तेरे पीछे कौन आएगा? जिसके कदमों पर तो क्या, होठों पर भी शराब की महक नहीं. क्या मतलब? क्या मैं शराब नहीं पीती? पीती है, नाचती है, लोगों के दिल बहलाती है, मगर सब अधूरा. यानी? कोई एक बात दिल खोल के तो कर. दो घूम पीती है तो वो भी गिलास से. Thank you.
खुशबू आ रही है कि नहीं? अब बोल, कौन ज्यादा पी सकता है, तू कि मैं? तू कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, और तेरी भी तो जालिम बिजली की कटोरियां है कटोरियां, तू मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, तेरे होंठों में तो दुनिया भर के फूलों का रंग है री, और तेरे होंठों में फूलों के रंग के साथ साथ शराब का नशा भी है। हाय, आ एक बार गले लग जा। हाय, आज दिल को सुकून मिल गया है सीमा। क्या भी वो तेरी तरफ ही देखता रहेगा? इस वक्त तेरी अदा का जादू ही निराला है सीमा। क्या वो भी यही कहेगा? चल जा, उठना जा, बिजली की तरह गिर और बारिश की तरह बरस, फिर देख मजा। नहीं, तू ठीक है ये काम, मैं हर काम अधूरा करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, थक, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो प्लीज। काम है तू बहुत अच्छी, तू बहुत अच्छी। अरे अब तक यही हो, बदमाश हो लेकिन शरीफ, मैं तो समझी थी तुम गोल हो जाओगे। मेरा काम? तुम्हारा काम हो गया, वो तुम्हारे कमरे में पहुंच गए, और मैं तुम्हारे पास। कमरे में? हाँ, मैं तो यही तो आता। हाँ, सारी रात? हाँ, बड़ी अच्छी नींद लगी। लेकिन तुम इस बिस्तर तक पहुंचे कैसे? हाँ, कैसे कैसे पूछा मैं? कैसे हाँ, जाने वाला मुझे यहाँ ले जाए।
लिपस्टिक है। और ये सब? वो तो नाना कपड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो रहा था। मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर में? जी नहीं, आप मेरे कमरे में, आप मेरे बिस्तर में। बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गए? आप बताइए। हाँ, याद कीजिए रात को आपने कितनी पी थी और आप किस तरह मेरे बिस्तर पर आ गई थी। हाँ, तुम जैसे बदमाश का एक ही इलाज है, मैं भी फोन करती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं आपको रिसेप्शन से मिला देता हूँ। आप खुद ही पूछ लीजिए कि मैं शरीफ हूँ या बदमाश आया। गुड मॉर्निंग रिसेप्शन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिसेप्शन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरे कमरे में एक बदमाश आ गया है, आई वॉन्ट द पुलिस। जी नहीं, मेरे कमरे में एक बदमाशी आ गई है, आई वॉन्ट द पुलिस। गुड मॉर्निंग रिसेप्शन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरे कमरे में एक आदमी है। आदमी? आपसे नहीं, कौन है वो? मैं नहीं जानती। वेरी स्ट्रेंज, आपके कमरे में मैडम, आप नहीं जानती। कैसा है वो? मोटा सा। मोटा? मोटा कैसे हो गया? मेरा मतलब है, कौन लाया उसे? जॉनी वॉकर ने लाया। मेरा मतलब, मैं नहीं जानती। Then what shall I do? आपसे नहीं, what shall I do? Throw him out! एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप कौन है? Just wait. आप कौन है? मैं सीमा बोल रही हूँ 103 से। मैं राम बोल रहा हूँ 108 से। हेलो मिस सीमा, आपको दरअसल गलत फहमी हुई है, आप 103 से नहीं 108 से बोल रही हैं और ये कमरा मिस्टर राम का है। ओके हेलो, आप मिस कार्मन रियली अपने कमरे में से बोल रही हैं, और जो आदमी आपके कमरे में घुसाया है उसको निकालने के लिए मैं 4 हट्टे कट्टे आदमी भेज रहा हूँ। आप बोलिए, मैं आपके कमरे में जाऊंगा या आप यहाँ सोएंगे? डोंट वरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। जी नहीं, आई एम सॉरी। क्यों? आपको अफसोस इस बात का है कि आप मेरे कमरे में आई, और मुझे अफसोस इस बात का है कि आप मेरे कमरे से जा रही हैं। अपनी भूल में समझ चुकी हूँ, लेकिन ये सब क्या है? जिन्हें कसूर मेरा है, मैंने मजाक किया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया। अरे मैं तुम्हें तलाश करती करती थक गई थी। आज सूरज पूरब ही से निकला था क्या? बिल्कुल। तो फिर आप मुझसे कैसे मिलने आ गई? तुम्हें ने कहा था ना, बदमाशी के पास वापस आओगी, मैं आ गई। वो ऊपर पहाड़ों पर बर्फ देख रही हो, जानती हो कितने बरसों से कोरी पड़ी है? तुम बात बदल रहे हो। हम फिर बात बदल देते हैं, चांद और सूरज के बीच कितना फासला है? हमारे बीच सिर्फ 1 फुट का फासला है, मैं इसे भी कम करना चाहती हूँ। साइंटिस्ट का कहना है कि चांद और सूरज के बीच जरा सा भी फासला कम हो गया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। तुम फिर बात बदल रहे हो। हम फिर बात बदल देते हैं, कल रात बहुत दिनों के बाद बहुत आराम की नींद आई। तुम बदमाश तो हो ही, चोर भी हो। बदमाश तो ठीक है, लेकिन चोर कैसे? नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या। फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है।
बदल देंगे आज नहीं दिल कल देंगे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है अरे ऐसी भी क्या जल्दी है बदल देंगे आज नहीं दिल कल देंगे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है अरे ऐसी भी क्या फिर बात बदल देंगे आज नहीं दिल कल देंगे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है अरे ऐसी भी क्या जल्दी है कब से तमन्ना थी कि यह हार तुम्हारी गर्दन में हो और तुम्हारी बाहें मेरी गर्दन का हार बने जल्दी क्या है सच पूछो तो जिंदगी में आज पहली बार जल्दी है तो ये लो मेरी बाहों का हार रॉकी रॉकी जी हाँ रॉकी जो हिंदुस्तान की हर जेल को तोड़कर निकला लेकिन अगर कभी औरतों की जेल में आया होता तो मुझसे मुलाकात पहले ही हो गई होती क्या तुम भी जेल काट के आई हो सिर्फ दो बार लेकिन कल की कहानियों को छोड़ो आज की बात पर आओ 50 लाख के जेवरात मुझे भी चाहिए तुम्हें भी लेकिन न तुम ये माल अकेले ले सकते हो न मैं तो फिर आधा तुम्हारा आधा मेरा और जेलर जैसा कहूंगी वैसा करेगा वो मेरी मुट्ठी में है और तुम मेरे साथ है? हाँ, लेकिन ख्याल रखना तुम रॉकी हो तो मैं सीमा हूँ मैं कच्ची गोलियां नहीं खेली रॉकी सब कुछ है लेकिन धोखेबाज नहीं है
ये रहा आपका हार। और मेरा हार आपने मुझे बुलाया ये बताने के लिए कि जिस बैग की तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे हो वो मेरे पास है, जिसकी कीमत सब जानते हैं। फिल्म इसी बैग में है, कहां है ये सिर्फ दीवानी जानता है। मैंने पूरा जाल फैला रखा है, दीवान खुद मेरे पास आएगा और बड़े प्यार से बताएगा कि इस बैग में वो फिल्म कहां छुपी है। अब ये बताओ कि तुम मेरे लिए काम करोगे या दीवान के लिए? बैग आपके पास है इसलिए मैं आपका गुलाम हूं, काम बताइए। गुड, तो फिर फौरन जाकर उस आदमी से मिलो जो इस फिल्म के 7 करोड़ रुपए देने को तैयार है। उससे कहना कि रुपया गिनना शुरू कर दे, कुछ ही देर में यह फिल्म उसके पास होगी और 7 करोड़ रुपया मेरे पास, हमारे पास। दीवान साहब, सीमा। नमस्ते, बैठो। ए सीमा, तुमने रॉकी की मदद का इरादा करके हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया है। हमें उम्मीद है कि तुम दोनों अजीत को जेल से छुड़ाने में कामयाब हो जाओगे। हम तो कामयाब हो जाएंगे दीवान साहब, मगर आप अजीत से सब कुछ कहलवाने में कामयाब होंगे? जब वो पुलिस से कुछ न बोला तो आप उससे कैसे बुलवाएंगे? तुम भी रॉकी की तरह बहुत सवाल पूछती हो, क्या तुम भी देशभक्त हो? सवाल तो आप भी बहुत पूछते हैं, क्या आप भी देशभक्त हैं? तुम बहुत चालाक हो, तुमने बातों बातों में हमसे ये कहलवा दिया कि हम गद्दार हैं, इसीलिए तो इसे अपना साथी चुना है। दीवान साहब, तुम दोनों जरूर से ज्यादा होशियार हो, लेकिन मैं भी तुमसे कम नहीं। डर गए? अरे ये तो तुम्हारे लिए है, रॉकी तुम्हारे काम आएगी। तुम जेल जाने का बंदोबस्त करो और जेल से अजीत को छुड़ाकर यहाँ छुपा देना और मुझे फौरन खबर देना। ये लो। जेल जाना क्या मुश्किल है, कितने तरीके हैं। लड़कियों को छेड़ना, चलते चलते उनका दुपट्टा छीन लेना, ऐसे काम तो तुम अच्छी तरह जानते हो। इन छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं बनेगा, सजा होगी थोड़ी सी और उस अरसे में मैं अजीत को जेल से नहीं निकाल सकूंगा। तो फिर क्या करना चाहते हो? एक तरकीब है, अगर मैं इसी इलाके में गिरफ्तार हूं तो सीधा अजीत वाली जेल में जाऊंगा, लेकिन जुर्म ऐसा होना चाहिए कि सजा कम से कम 6 महीने की जरूर हो। तो फिर इसी घर में चोरी हो तो काम बन सकता है। वो चोरी तो तुम कर ही चुके हो। उस चोरी से पुलिस को क्या वास्ता है, लेकिन चोरी ऐसी हो कि पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर ले और सीधा अजीत वाली जेल में भी ले जाए। तुम एक काम करो, जाके पुलिस स्टेशन में फोन करो कि तुम्हारे घर में चोर आ गया है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जब तक तुम जेल में रहोगे तो मैं क्या करूंगी? तुम अपनी जुल्फों को और भी मुलायम खूबसूरत बनाना ताकि जब मैं जेल से लौटूं तो हमेशा हमेशा के लिए इनमें उलझाऊं। गाला दो। चौकीदार साहब। यहाँ क्या कर रहे हैं? चौकीदारी साहब। किसकी? अपने दोस्त की साहब। तुम्हारा साथी कहाँ है? वो साहब वो अंदर चोरी कर रहे हैं। चोरी करा है? पकड़ो इस बदमाश को। लेकिन साहब मैं इंस्पेक्टर साहब अंदर। आके ठहरी। कौन हो तुम? सामने आओ।
सामने आओ वरना गोली चला दूंगा। हैंड्स अप। हवलदार गिरफ्तार कर लो इसे। आइए आइए, बड़ा रोमांस करते फिरते थे ना, नाम लिखाओ। सुस्तराम। असली नाम पूछा है? सुस्तराम। अभी पता चल जाएगा। अरे हाँ, तुम तो वाकई सुस्तराम हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम क्लास वन के कैदी और तुम्हारा साथी क्लास टू। ये जज साहब से पूछिए। तुम्हें क्लास वन के फायदे मालूम हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ, आप बताइए। तुम अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हो, खाना घर से आ सकता है, और तुम्हें मिलने वाले जब चाहे मिल सकते हैं। मगर तुम क्लास वन कैसे हो गए? परेशान मत होइए, आपको मेरे जेल जाने की खुशी थी, अब क्लास वन होने का दुख क्यों है? बोलो, कपड़े? कमीज, पतलून। खाना घर से? नहीं, खाना तो मैं अपने दोस्त कैदियों के साथ ही खाऊंगा, और मिलने जुलने वाला सिर्फ एक ही है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। सीमा को अंदर आने की इजाजत तो दीजिएगा ना। अगर वो आना चाहेगी तो? वो जरूर चाहेगी। क्लास वन कैदी, जरा जोर लगा। जलते हो मुझसे? जेलर को कितना माल खिलाया? तुम्हारी तरह माल बाहर रख के अंदर नहीं आया हूँ बेवकूफ, मेरा माल भी मेरे साथ पकड़ा गया। तुम मेरे माल से जलते हो क्यों? माल तो हाथ की मैल है प्यारे, 7 साल तक इतना माल जमीन तले दबा रहेगा ये जानकर तुम्हारी बेवकूफी पर तरस आता है। इतना माल कहीं लगा दिया होता तो 7 साल में दुगना हो जाता। किसी ने ठीक कहा है कि कछे के सर पर सींग नहीं होते। मुझे काली देता हाथ नहीं उठाना है। इसे मत मारो, ये काम का आदमी है, 50 लाख का पता बताने वाला आदमी। मैं उधर जाऊं मुझे रॉकी का क्या करना। एहसान मानते हो? बिल्कुल, जो कहता हूं करोगे? करूंगा, मगर तुम मुझे आज रात को इस जेल से निकाल दो। जल्दी क्या है? कितनी दाढ़ियां बनाते हो हर रोज? जितने को ऑर्डर मिल जाए भैया, घास खोदने से तो अच्छा है ना कम से कम। सुना है तुम बड़े मशहूर चोर? यारों दोस्तों ने मिलकर मशहूर कर दिया है। तुम्हारा नाम रॉकी है? आपको भी पता चल गया है?
ये तुम्हारा असली नाम है या ये भी यारों दोस्तों ने मिलकर मशहूर किया है? मशहूर तो यारों दोस्तों ने किया है लेकिन नाम असली है, असली। अच्छा, मगर रॉकी तो मर चुका है। पुलिस की नजरों में असलियत यह है कि रॉकी कभी नहीं मर सकता, रॉकी अमर है, हवा के झोंके की तरह हमेशा जेल से निकल जाता है। अच्छा, तुम कब निकल रहे हैं? आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो पूछो। यही कि आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए कि रॉकी मैं हूँ। अब बताओ नकली रॉकी, तूने मेरा नाम क्यों अपनाया? मुझे यारों दोस्तों ने मशहूर नहीं किया है, बल्कि मैं ही असली रॉकी हूँ। बता क्यों अपनाया मेरा नाम? ये बताना मुश्किल है। ये उस तरह गले से तब तक नहीं बदलेगा जब तक तू बताएगा नहीं। उस तरह मेरा गला काट देगा तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। अगर जेल से निकलना चाहते हो तो ये उस तरह गले से हाथ डालो। तुम क्यों जेल से निकलवाओगे? सारे हिंदुस्तान में ही तो एक ऐसा जेल है जहाँ से आज तक मैं नहीं निकल सका। मेरी मदद करोगे तो लाखों के हिस्सेदार बनोगे। सुनो, फिर बोलो क्या नाम है मेरा? आपका? आपका रॉकी। और तुम्हारा? कन्हैयालाल। हे सुहानी है सुबह बनारस जरूर, है शाम अवध खूबसूरत हुजूर, मगर हर सुबह से हर एक शाम से हसी ये हवालात की रात है, ये चोरों की बारात की रात है। हाय हाय, न खिड़की न झरोखा मिलते ही मगर मौका, दे जाऊंगा मैं धोखा सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका। मैं निकल जाऊंगा न खिड़की न झरोखा मिलते ही मगर मौका, दे जाऊंगा मैं धोखा सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका। मैं निकल जाऊंगा। दीवार से ज्यादा मजबूत है इरादा, उस पार वो खड़ी है जिससे नजर लड़ी है, वो इंतजार में है बेचैन प्यार में है, ये जान भी गवा के मिलना है उससे जाके, ये गम न दिल सहेगा, ये गम न दिल सहेगा बस होके ही रहेगा, ये मेल दो दिलों का सब सोचते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका। मैं निकल जाऊंगा। रॉकी है नाम मेरा, सबको सलाम मेरा, सब मुझको जानते हैं उस्ताद मानते हैं, कुछ दिल नहीं जो छुपके चल दूं मैं चुपके, सब होशियार रहना फिर बाद में न कहना, दे दी है मैंने धमकी, तेजी है मैंने धमकी, बिजली गगन में चमकी, कुत्ता गली में भौंका, सब ढूंढते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका। मैं निकल जाऊंगा।
क्या हूँ मैं हूँ बादल, मैं क्या हूँ मैं हूँ काजल, उड़ जाऊं बन के खुशबू, चल जाऊं बन के जादू। मैं क्या हूँ मैं हूँ बादल, मैं क्या हूँ मैं हूँ काजल, उड़ जाऊं बन के खुशबू, चल जाऊं बन के जादू। सौ बार आओ के देखा, सौ बार जाओ के देखा, क्या है यहाँ किधर है हर चीज की खबर है। मेरे पुराने यारों, मेरे पुराने यारों, नादान पहरेदारों, क्यों तुमने मुझको रोका। तुम रोकते रह जाओगे बनके हवा का धोखा, मैं निकल जाऊंगा, 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 मैं निकल जाऊंगा। ना खिड़की ना झरोखा, मिलते ही मगर मौका, ले जाऊंगा मैं धोखा, सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका, मैं निकल जाऊंगा, 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 मैं मंगल रॉकी। जेल से निकालने का कमाल तो आंखों से देख लिया, लेकिन जेलर को तुमने अपने हाथ में कैसे कर लिया? तारीफ करो, सवाल मत पूछो। मगर ये मत समझना दोस्त कि रॉकी ने ये काम दोस्ती में किया है। बिना मतलब के रॉकी कोई काम नहीं करता है। तो क्या तुमने ये सब कुछ मतलब से किया है? और नहीं तो क्या, तुम मेरे चचा का भाई है। सेफ्टी पिन हम लोगों के पास, पेपर पिन है, टांचनी चलेगा? हाँ चलेगा। अभी आ ये पिन चलेगा, ये अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी तकदीर अच्छी है रॉकी, जो तुम्हारे हाथ ऐसी लड़की लग गई है। पसंद है? क्यों पूछते हो, अपनी पसंद की तारीफ सुनने के लिए या मेरी मदद करने के लिए? जो समझ लो, तुम्हारे लिए ये आखिरी खूबसूरत लड़की होगी, मेरे लिए नहीं। मतलब तुम इससे प्यार नहीं करते? आपस की बात है, आधा बंबई इससे प्यार करता है। लेकिन है तो तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ भी हो सकती है, इस सीमा की कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसी खूबसूरत बेल है कि जो हाथ बढ़ाता है उसी से लिपट जाती है। कमबख्त ये बेल भूख बहुत लगाती है, कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए, और खाना यहाँ दूर से लाना पड़ता है। मैं जाता हूँ, क्या खाओगे, मुर्गी या मुर्गा? सेम। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने के बाद पूछते हैं। नशे में याद नहीं रहा कि मैं अंदर आ चुका हूँ। वो पिन बराबर लग गया या मैं ठीक से लगा दूं? रॉकी कहाँ है? बाहर गया। तो फिर पिन लगाने में वक्त बर्बाद मत करो, नजदीक आओ। मुझे रुपयों से बहुत मोहब्बत है। लेकिन रॉकी तो कहता था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। बकवास। वो 50 लाख की जरूरत कब दिखाओगे मुझे? क्यों? मैं उन्हें पहनकर देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी, सिर्फ वो जेवरात। कसम से सीमा, तुम उनको पहनकर और भी खूबसूरत लगोगी। लेकिन कब, कब मुझे ला कर दोगे? जब तुम मेरी बन जाओगी। वो तो समझो मैं तेरी बन गई। और रॉकी? वो तो बेवकूफ है, बिना रुपये के हर आदमी बेवकूफ होता है। मैं तो इस बात को मानती हूँ जी, आदमी के पास जितना रुपया हो उतना ही अकलमंद होता है वो। सच? हाँ। चलो अभी चलते हैं, मैं, तुम और वो जेवरात। यही तो रोना है सीमा, वो जेवरात मेरे पास नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हारे पास नहीं। ऐसा ना कहो सीमा। मेरा नाम सीमा है और मेरी कीमत 50 लाख। खरीद सकते हो तो कहो, फिजूल वक्त बर्बाद मत करो। मैं सच कहता हूँ सीमा, वो जेवरात मुझसे चुरा लिए गए।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चलो मेरे साथ। हमने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला, तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, धोखा दिया हमें। बोल कहाँ है जेवरात, बोल कहाँ है जेवरात। मैंने कहा ना मैं उन्हें ले जा रहा था, इसने मुझे लूट लिया। किसी ने तुझे लूट लिया? लूटने वाले का हुलिया, कोई निशानी, उसका पता? मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ पक रहा है तू, हम जानते हैं, हम तुझे छोड़ देंगे, तू छुपी हुई जगह से जेवरात निकालेगा और उन्हें बेच डालेगा। जवाब दे, नहीं तो ये गोली तेरे दिमाग के फाक जाएगी। मैं और कुछ नहीं जानता। तू कुछ नहीं जानता? अरे तू सब कुछ जान जाएगा, सब कुछ जान जाएगा। वसंती, तुम? भैया, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, इस बेचारी का क्या कसूर? गुलाब, अजीत की बहन बसंती को साथ वाले कमरे में ले जाओ, वहां जाओ और किसी तरह की चीखो पुकार बाहर सुनाई नहीं दे। भैया, जल्दी ले जाओ। जल्दी क्या है, सोच लो अजीत, तुम्हारी बहन किससे चली गई, वो अपनी जान भी दे देगी। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी तुम्हें अपनी बहन नहीं मिलेगी, सच बता दो। इस वक्त चलती है, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मैं ब्लू स्टार क्लब की डांसर रीटा से प्यार किया करता था, जेवरात चुरा कर मैं सीधा उसके पास गया, उसने जेवरात देखकर मेरे गले में बाहें डाल दी और शराब का दौर चलने लगा, न जाने उसने शराब में क्या मिला दिया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो न वहां रीटा थी न ही बैग, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। मैं सच कहता हूं दीवान साहब, मैंने जेल से फरार होने के लिए रॉकी की मदद ली तो सिर्फ इसलिए कि मैं सीधा जाकर रीटा से अपने धोखे का बदला ले सकूं। क्या भरोसा है कि ये सब हकीकत है या कहानी? हकीकत है दीवान साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोलकर अपनी बहन की इज्जत न बचा सकूंगा। क्यों रॉकी? सच हो सकता है, फिर भी मैं रीटा से मिलकर असलियत का पता लगा सकता हूं। तो फिर तुम अभी जाओ, आपके पास अजीत भी है, उसकी बहन भी है, जब तक आप सेब खाइए मीठे। सीमा, रॉकी नहीं हो, कौन हो तुम? कौन कहता है कि मैं रॉकी नहीं हूं? कौन हो तुम? एक शरीफ आदमी। कौन हो तुम? एक बदमाश। आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। मैं एक शरीफ किस्म का बदमाश हूं। हेलो, आओ सुनो, चीफ को ऑर्डर है इसे छोड़ दो, ये मुर्दा नहीं जिंदा हमारे काम का है। क्या बकते हो, ये सीआईडी ऑफिसर है और हमारी सारी बातें जानता है, फिर भी इसे चीफ कहता है छोड़ दो। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन चीफ जरूर जानता होगा वो क्या कर रहा है, इसीलिए इसे छोड़ना चाहता है। फिर चलो यहाँ से। माफ करना दोस्त, गलती हो गई भाई। सीमा, गुड न्यूज, बैग का पता चल गया है। कहाँ है बैग? रीटा के पास। कौन रीटा? एक कैबिनर डांसर जो पहले ब्लू स्टार क्लब में काम करती थी, तुम जानती हो उसे? ओ, वो रीटा नहीं, कारमेन है, वही कारमेन जिसे तुम भी अच्छी तरह जानते हो। कारमेन ही रीटा है? आओ
और चले उसके पास जल्दी। जल्दी क्या है, चोर चोर को शायद देर से पहचाने, मगर चोर पुलिस इंस्पेक्टर को फौरन पहचानता है। क्यों हैरान हो गए इंस्पेक्टर? सीमा, अगर तुम मुझे पहचान चुकी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तक वो बैग पहुंचाना बहुत जरूरी है। आगे मत बढ़ना, ये चल भी सकती है। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? गोली चलेगी, लेकिन तुम पर नहीं, एक सीएडी इंस्पेक्टर पर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बता दिया कि वो बैग कहाँ है, वो बैग जिसमें 50 लाख की दौलत है। नहीं, 50 लाख नहीं, उसकी कीमत 50 लाख से कहीं ज्यादा है। सिर्फ 500 रुपए की तनख्वाह के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे हाथों मरने की बजाय मेरे साथ जीना सीखो इंस्पेक्टर। जिंदगी सिर्फ खाकी वर्दी की तरह बदरंग ही नहीं, बल्कि कितनी रंगीन हो सकती है। फर्श का रंग दुनिया की हर रंगीनी से गहरा होता है सीमा। सुनो सीमा, हमारा केस 2 साइंसदानों का खून होता है, एक ड्राइवर मारा जाता है, मरते वक्त वो कहता है दीवान धोखा। जब हमारी पुलिस दीवान के पास पहुंचती है तो दीवान कहता है कि जिस बैग में 50 लाख के जेवरात थे वो चोरी हो गया, उस बैग में कुछ और भी था। और क्या था सुनो? 50 लाख के जेवरों के बक्से में वो माइक्रोफिल्म थी जिसमें हवाई जहाज का डिजाइन था। जेवरों के लालच में वो पूरा बक्सा चुरा कर ले गया है। क्या उसे माइक्रोफिल्म के बारे में मालूम था? नहीं नहीं, दीवान इतना बेवकूफ नहीं है। बात साफ है कि माइक्रोफिल्म उस बैग में है, और जिसने उस बैग की चोरी की है वो अजीत, और वो अजीत तुम्हारी जेल में। हमारी हर कोशिश पर भी अजीत ने ये नहीं बताया कि वो बैग कहाँ है। बहुत से लोग 50 लाख के लिए उस बैग के पीछे, एक डांसर सीमा भी है जो 50 लाख के जेवरात के पीछे। मेरा बदन ढांपने का इंतजाम तो तुम कर लोगे, मगर जिंदगी में सब कुछ यही तो नहीं, हमारी बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? सिर्फ एक बार वो बैग मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसे ठिकाने लगा दूं तो सीमा तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन ये वो नहीं जानती कि बैग में जो कुछ और है वो हमारी माइक्रोफिल्म है। मिस्टर जेलर, हमारी रिपोर्ट है कि तुम उस लड़की के हर डांस पर देखे गए। क्या तुम उस लड़की से प्यार करते? जी नहीं, मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। गुड। उस लड़की की ये कोशिश है कि तुम्हें अपने जाल में फंसाकर अजीत को जेल से बाहर निकाले। इंस्पेक्टर रमेश, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। अब तुम इंस्पेक्टर रमेश नहीं बल्कि रॉकी बनोगे। रॉकी? वो मशहूर जेल तोड़ जो मर चुका है? हाँ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने यह खबर फैला दी है कि राकी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। जैसे ही तुम राकी बनोगे बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे और अजीत को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े लालच देंगे, लेकिन पहले तुम उस लड़की का दिल जीतोगे, फिर उसे यकीन दिलाओगे कि जेलर सिर्फ अजीत को बाहर निकालने में मदद कर सकता है, लेकिन मेरी यानी कि रॉकी की मदद के बगैर अजीत का मुंह कभी नहीं खुल सकता। Am I right, sir? जब तक वो लड़की तुम्हारे काबू नहीं आती और बैग तुम्हारे हाथ नहीं लगता, तब तक चाहे तुम घर में हो या बाहर, कहीं भी सोते जागते तुम्हें राकी बने रहना होगा, और तुम्हें सीमा का आशिक। ये सब तुम दोनों को माइक्रोफिल्म पाने के लिए करना है, वो माइक्रोफिल्म जिसके लिए हमारे 2 साइंसदानों ने 10 साल की मेहनत के बाद जान दे दी, वो माइक्रोफिल्म जिसमें एक ऐसे हवाई जहाज का डिजाइन है जिससे हमारी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि फर्ज दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी माँ ने यह सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज दौलत है। हैं ऐसी माएं भी हैं जो दौलत के लिए अपने बच्चों को बुरे रास्ते पर चलना सिखाती हैं, लेकिन ऐसी माएं भी हैं जो अपने बच्चों को दौलत के लिए जीना नहीं बल्कि फर्ज के लिए मरना सिखाती हैं।
जिस खाकी वर्दी को तुम बदरंग कहती हो उसे पहनकर अपने खून से रंगीन करना सिखाती है। मैं एक ऐसी ही माँ का बेटा हूँ जिसे मेरी मौत का अफसोस नहीं होगा। अफसोस मुझे जरूर इस बात का होगा कि मैं अपनी सीमा को समझा नहीं सका। जिस काम के लिए मेरी माँ ने जिंदगी भर तपस्या की वो पूरा नहीं कर सका। जरूर होगा, तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारी मां की हर आशा पूरी होगी। मेरी गलती के लिए तुम जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। सजा जरूर मिलेगी और वो सजा ये है कि तुम ऐसे बच्चों की मां बनो जो दौलत से ज्यादा फर्ज को समझें, जो पैसे पर थूक कर मुस्कुराते हुए देश के लिए जान दें। और वो बच्चे हमारे हों, एक 500 रुपए कमाने वाले इंस्पेक्टर की बीवी बनो। अंदर आने से पहले बेल बजाई जाती है। सोचा आज रीता के साथ थोड़ी बदतमीजी की जाए। रीता बहुत चलाक हो। बहुत जल्दी में हो। अजीत को बेवकूफ बनाकर जो बैग तुमने उड़ा लिया है वो कहाँ है? अजीत कौन? अजीत कहाँ है वो बैग? जब इस चाकू से तुम्हारे मुलायम मुलायम जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता छीला जाएगा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अभी बताती हूँ, मैंने अजीत को इसलिए फांसा था ताकि वो 50 लाख का जेवर लाए। अजीत ने बैग भी लाया और 50 लाख का जेवर, और जैसे उसने दीवान को धोखा दिया मैंने अजीत को धोखा दिया। लेकिन जिस कमीने के लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझसे भी बैग छीन लिया। सच बोल रही हो? सच बोल रही हूँ। कौन था वो? हरकुलिस। कौन हरकुलिस? रंजीत का एक आदमी। कौन था रंजीत? वो कुत्ता जिसने हरकुलिस के जरिए मुझे लूट लिया। अगर एक बार मेरे सामने ले आओ तो इसी चाकू से हजार हजार टुकड़े कर दूंगी उसके। कहाँ रहता है ये रंजीत? बैग कहाँ है मुझसे पूछो। जिसके पास वो काला बक्सा है, बताता यहां से बराबर 170 मील के निशान पर गोवा के रास्ते पर दाया हाथ की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है। 2 फरलांग के बाद वो खत्म हो जाता है, सिर्फ जंगल रह जाता है। थोड़ी ही देर तलाश करोगे तो एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आएगी, वहीं आपको रंजीत मिलेगा। जल्दी चलो, अब वो घड़ी दूर नहीं जब बैग मुझे मिल जाएगा। रीटा कॉलिंग, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके ओके, तीनों नदियों को समंदर की तरफ आने दो, उन्हें अपनाकर समंदर का कलेजा ठंडा हो जाए। और सुनो, तुम भी उनके साथ साथ हेलीकॉप्टर में आओ, देखना कि वो सही सलामत हम तक पहुंच जाएं। पहुंच जाएंगे। ओवर। ओवर। Thank you.
ये लोग यहाँ कैसे? ये भी हमारी तरह बैग के पीछे है। जैसी भी हो इन्हें हटाओ यहाँ से, और अगर जरूरत पड़े तो इससे भी। ये लो। आपका मतलब है खून? इस बैग के लिए मैं कई खून कर चुका हूँ, चार और सही। रॉकी जाओ, लेकिन जरा होशियारी से। गुलाब से ये सारे का सारा गुलदस्ता यहीं इकट्ठा हो गया। रॉकी, तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आती है। चल अब, चल। 5 लाख तुम्हें सूरजमुखी दे रहा था, तुमने कहा मैं रॉकी नहीं हूं। 10 लाख मैं तुम्हें दे रहा था, फिर भी तुमने कहा मैं रॉकी नहीं हूं। अब 50 लाख के लिए तुम रॉकी बनने के लिए तैयार हो गए हो? अब तुम हमें वहीं ले चलोगे जहां पर 50 लाख हैं। चलो अंदर बैठो। अब ऐसे मौके बदल जल्दी करनी चाहिए है? चलो बैठो अपनी अपनी गाड़ी में। जिस राखी के बारे में बहुत कुछ सुना है वो तुम ही हो। आज से 20-25 साल पहले ही बदमाशों ने बूट में पिस्तौल रखने छोड़ दिए थे। कोई नई बात है? मैं
कहिए दीवान साहब, आप तो ज्यादातर दिमाग से काम लेते हैं, आपके पास तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी खूबसूरत लड़की को मरने के बजाय जीने का सोचना चाहिए। लोगों के मनोरंजन के लिए मेरे पास पूरा इंतजाम, पहले संगीत। एक तरकीब है, अगर मैं इसी इलाके में गिरफ्तार हूं तो सीधा अजीत वाली जेल में जाऊंगा, लेकिन जुर्म ऐसा होना चाहिए कि सजा कम से कम 6 महीने की जरूर हो। तो फिर इसी घर में चोरी हो तो काम बन सकता है। 50 लाख के जेवरात तुम्हारे, मेरे, फिर आपके पास क्या रह जाएगा? खाली बक्सा। दीवान साहब, वो फिल्म कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मालूम होता तुम काफी तलाश कर चुके। इंस्पेक्टर रमेश, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें रॉकी बनना होगा। मुझे पक्की खबर मिली है कि चंद आदमी अजीत को जेल से निकालना चाहते ताकि उन्हें 50 लाख के जेवर मिल जाए। आई सी, रॉकी मशहूर जेल तोड़ था और जब मैं रॉकी बनूंगा तो अजीत को जेल से निकालने के लिए वो मेरे पास आएंगे और शिकार खुद ब खुद चाल में आएगा। मैंने आज तक दुनिया में ऐसे 3 अकलमंद कभी नहीं देखे जो एक दूसरे को जानते जरूर हैं, लेकिन पहचानते नहीं। कहिए दीवान साहब, अब तो आप पहचान गए ना? मुझे लोगों के मिलन में बड़ी खुशी होती है और जब तक ये आपस में न मिले मेरी खुशी अधूरी रह जाती है। मजा आ गया। अब देखना यह है कि कौन किस किस से मिलता है, बाप बेटे से। और गद्दार देशभक्त से इस महापुण्य की दक्षिणा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। कहां है वो फिल्म? वो फिल्म जिसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, वो फिल्म जिसके लिए 2 साइंसदानों ने अपनी कई साल की मेहनत और जान गंवा दी। दीवान, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि फिल्म इसी बक्से के किसी हिस्से में छुपा हुआ है। जिस दिन ये बक्सा मेरे हाथ आया मुझे मालूम था कि 7 करोड़ रुपया मेरे पास है। जब मैं इस बक्से को छील रहा था और काट रहा था तो मैं डर गया कि कहीं मेरा चाकू इस बारीक फिल्म को न काट दे। मैं रुक गया ये जान करके एक दिन तुम मेरे पास आओगे और बताओगे कि यह फिल्म कहाँ है। जिस चीज के लिए तुमने औरों की जान ली है उसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। अगर तुम्हें जिंदगी से प्यार है दीवान तो बता दो कि वो फिल्म कहाँ है। नहीं, मत भूलिए, जिस बेटे को मैंने आपसे सालों दूर रखा है ताकि वो बदमाश नहीं शरीफ बने,
उसको जो इज्जत मिली है वो आपके मुंह खोलते ही उससे छिन जाएगी। कादर, माँ ठीक कहती है, यही मौका है जो आपकी जिंदगी के हर दाग को धो सकता है। आपने मुझे कुछ दिया है या आपने बेटे को? अब जो वो मांग रहा है उसे दे दीजिए, वो उसका हक है, उसे दे दीजिए, दे दीजिए। शांति, तुम ठीक कह रही हो, मैंने आज तक अपने बेटे को कुछ नहीं दिया और आज भी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दे रहा हूँ। मांग बेटे, तू क्या मांगता है? बेटे के नाते मैं आपकी खामोशी मांगता हूँ, आपकी जिंदगी मांगता हूँ। आप मुझे मेरा हक देंगे? अच्छा बेटे, तूने जो चाहा है तुझे मिलेगा, मेरी खामोशी और मेरी जिंदगी। मार लो, जो जी में आए कर लो, अब ये जुबान नहीं खुलेगी। जिस गद्दार की रगों में एक बार शराफत की लहर दौड़ जाए, फिर अगर उसकी खाल भी खिंचवा लो तो उसकी जबान पर लगे हुए ताले कभी नहीं खुल सकते। लेकिन रंजीत के पास हर ताले की चाबी, जिसने ये ताला लगवाया है वही इसे खुलवाएगा। ठहरो 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 रंजीत, मत बोलिएगा, मत बोलिएगा। बोल दीवान, अब भी तेरी जबान खुलेगी या नहीं? नहीं नहीं, अब तो मरते दम तक ये जुबान नहीं खुलेगी। चाहे तू मेरे सामने इसकी जान भी ले ले, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे ये तो लैला की चीख है। सदी का सबसे बड़ा खुदा इश्क है और कोई माशूक अपने आशिक को तड़पता नहीं देख सकता। मिस सीमा, तुमने कैबरे डांसर बनकर अपने इस जिस्म की काफी नुमाइश की है। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को नाचता हुआ ये सब लोग भी देखें। मैं बाजी जीतूंगा, तुम बाजी हारोगे। मुहब्बत बाजी जीतेगी, जमाना बाजी हारेगा। मुहब्बत करने वालों को भला तू कैसे मारेगा? मुहब्बत बाजी जीतेगी, जमाना बाजी हारेगा। मुहब्बत करने वालों को भला तू कैसे मारेगा? हो आसमान में देख ले मुहब्बत, मुहब्बत बाजी जीतेगी, जमाना बाजी हारेगा। मुहब्बत करने वालों को भला तू कैसे मारेगा?
मोहब्बतबाजी जीतेगी, जमाना बाजी हारेगा। मोहब्बत करने वालों को भला तू कैसे मारेगा। हो आसमां के बामे देख ले, मोहब्बतबाजी जीतेगी, जमाना बाजी हारेगा। मोहब्बत करने वालों को भला तू कैसे मारेगा। इस हरकत से तुमने अपनी मौत को बुला लिया। मिस्टर दत्ता, प्लीज प्लीज गेट मी ए डॉक्टर, जल्दी। डॉक्टर? यहां 50-60 मील के करीब कोई डॉक्टर नहीं है। रंजीत, मरने से पहले एक दफा मुझे अपने बेटे को गले से लगाने दो, प्लीज प्लीज। मिस्टर दत्ता, रॉकी को खोल दो। मरने से पहले बेटे को बताया और अब बेटा हमें बताएगा। मिस्टर दत्ता, इन दोनों को नीचे वाले कमरे में ले आओ। इंस्पेक्टर रमेश, ये रहा बक्सा जिसमें वो फिल्म है जिसकी तलाश तुम्हारी गवर्नमेंट को और मुझे है। कहाँ है वो फिल्म? कहाँ? ये तुम मुझे बताओगे जिस तरह मरते वक्त तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया था। मैं सिर्फ 10 गिनूंगा, या तो तुम मुझे बताओगे कि वो फिल्म कहाँ है, या फिर इस लड़की के दिमाग के हजारों टुकड़े यहां पड़े होंगे। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। जल्दी क्या है? दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। रुक जाओ, ये आदमी मेरा हाथ जरा सा ढीला करते तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये फिल्म इस बक्से के जेब में दूसरा कैप्सूल है। हाँ, ओ, नहीं, उसे फेंकने से कहीं बक्से में फिल्म न जल जाए। मुबारक हो मिस्टर सुंदर,
आपका काम हो गया। गुड। पैसे गिन लिए? बिल्कुल, पूरे 7 करोड़ है। वन मिनट, वो फिल्म ये। गुड। चुप रहो। पुलिस वाले की बीवी बनोगी? बनूंगी। फिर से सोच लो, पुलिस वाले की बीवी बनोगी? बनूंगी। पुलिस वाले की बीवी बन सकती हूँ कि नहीं? बेशक सीमा। तो बिल्कुल भूल भुलैया लगता है, बाहर कैसे जाएंगे? जिधर से रंजीत गया होगा वो तुम कैसे जानोगे? चोरों के घर का नक्शा चोरी बताएंगे, आओ मेरे साथ। तुम्हें पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। सॉरी बेबी। Thank you.
इन राइफलों में 6-6 गोलियां होती हैं। हर गोली जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। I said back. गोलियां खराब करवा दी। मत चलाओ जब तक मैं ना कहूं फायर ना करो। मैं इस गद्दार के पीछे हूं और ये चोर 50 लाख के पीछे। देखो मैं पीछे से घूमते जाता हूं, तुम उस लाल कमीज वाले पर निशाना रखो, जरूरत पड़े तभी गोली चलाना। अच्छा। ब्लडी छिटको, साला मरता ही नहीं। जल्दी क्या है? किसी के हाथ बांध के मारना एक बात है और खुले हाथ मार खाना दूसरा। अब उस बेटे की तरफ से इसके बाप को तूने मारा। अब उस बेटे की तरफ से जिसकी मां का तूने खून बहाया, और अब इस गद्दार को एक पुलिस अफसर की तरफ। पुलिस वाले की आंखें सामने और ध्यान पीछे रहना चाहिए। हर वक्त नहीं, कभी कभी उसकी आंखें भी सामने और ध्यान भी सामने रहना चाहिए। जो काम तुमने किया है उसके लिए मैं तो क्या सारा देश तुम्हारा एहसान मंद। सर एक और बात है, मैंने असली रॉकी को वादा किया था कि मैं उसका मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो वो मेरा काम है। थैंक यू सर, गुड लक। रॉकी है नाम मेरा, सबको सलाम मेरा, सब मुझको जानते हैं, उस्ताद मानते हैं। उस दिल नहीं जो चुपके, चल दूं मैं चुपके चुपके, सब होशियार रहना फिर बाद में न कहना। दे दी है मैंने धमकी, मैंने धमकी, बिजली गगन में चमकी, कुत्ता गली में भौंका, सब ढूंढते रह जाएंगे बन